जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 2 दिसंबर 2022 दिन जो है वो शुक्रवार है और आज का जो राशिफल है वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और कौन सा उपाय करने से आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले नंबर पे है हमारी मेष राशि। तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं, आज किसी भी संत पुरुष से आपको आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक शांति जो है वो मिल सकती है। बिना किसी की मदद के भी आप धन जो है वो कमा पाने में आज सक्षम हो सकते हैं। बस आपको खुद के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और अगर आपने ये सोच लिया कि आप कर सकते हैं तो आपके लिए कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर आप दूसरों की क्षमताओं को आंकना चाहते हैं तो उनके मुश्किल समय में जो है वो थोड़ी सी मदद आप कर सकते हैं। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें, नहीं तो आप मुश्किलों में फंस सकते हैं। यदि आप नई जानकारी और क्षमताएं विकसित करने में थोड़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको लाभ मिलने की पूरी आशंका है। खाली समय में आप खुराफात जो है वो बिल्कुल भी ना करें। अगर हो सके तो आप कहीं भी टहलने घूमने जा सकते हैं या कोई खेल जो है वो खेल सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर की बात लेके किसी दूसरे को बताना ये आपके हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज किसी दुर्घटना का होना आपकी राशि में संभव दिखाई दे रहा है, इसलिए आज आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना है और आप हो सके तो आज यात्रा बिल्कुल भी ना करें। वाहन अगर चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से चलाएं, या अगर किसी के साथ बैठकर भी जा रहे हैं तो आज आप कहीं जाने से बचें, क्योंकि आज जो आपकी राशि है वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, इसलिए आपको थोड़ी सी समझदारी का परिचय जो है वो देना चाहिए। अपने जीवन साथी की आज आप तारीफ़ कर दीजिए तो आपको प्यार जो है वो मिल सकता है। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको जो गाय है उनको हरा चारा या गुड़ जो है वो खिलाने से आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको कुछ ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे लोगों से जो आपसे कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा खिन्न रहते हैं, आपके ऊपर थोड़ी सी नाराज़गी जो है वो रहती है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। अपने जीवन साथी के साथ आज मिलकर आप कोई भविष्य की आने वाली चिंताओं के बारे में योजना जो है वो बना सकते हैं। साथ ही साथ जो योजना आज आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं आप उसमें सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों का जो दोस्ताना है, कुल मिला के जो उनके दोस्त हैं उन पर थोड़ा सा फोकस बनाए रखें, नहीं तो आपके बच्चे के जो दोस्त हैं वो आपके बच्चे को बिगाड़ सकते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो देने की ज़रूरत है। आप जो भी कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए फलदायी साबित होगी, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से सारी चीज़ों को देख के ही कार्य जो है वो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो दूसरों की मदद जो है वो आप कर सकते हैं। किसी भी ऐसे मौके पे आप आज बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पे लड़ाई जो है वो हो रही होगी, क्योंकि कहीं अगर लड़ाई हो रही है और अगर आप बीच में पड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको जो एक तरीके से मैं बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग सकती है या आपको कुछ हानि जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है तो मैं आपको एकदम से डिटेल से बता दूं कि अगर कहीं भयंकर रूप से लड़ाई हो रही है और अगर आप बीच में कहीं कूद जाते हैं और कुछ कोर्ट का या कुछ पुलिस का मामला होता है तो लोग आपको भी उसमें शामिल कर सकते हैं, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से आज दूरी जो है वो बनाकर रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में आज आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। आज आप दोनों कहीं घूमने फिरने का या फिर कहीं कुछ घर में ही कोई छोटी सी पार्टी करने से आज आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको भगवान के ऊपर विश्वास जो है वो रखना है, हिंसा करने से बचना है, इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो शुभ रहेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं, आज कम से कम
जितना भी हो सके आज आपको किसी भी काम को करने से बचना चाहिए। किसी काम में अगर दखल ना दें तो ही अच्छा है। घर के कुछ कार्यों के लिए आपने जो पैसे रखे हैं वो आज आपके खर्चा हो सकते हैं और शाम के वक्त आपको कहीं ना कहीं से धन जो है वो मिलने की पूरी आशंका जो है वो दिखाई दे रही है। आज आपका भाग्य जो है वो आज आपके साथ रहेगा। आज आप अपने दफ्तर में तारीफ जो है वो पा सकते हैं, कहीं अपने जो विचार हैं वो किसी के सामने रख सकते हैं और आपके विचारों की आज अगला व्यक्ति कद्र जो है वो कर सकता है। वैवाहिक जीवन में आप खुश रहने की कोशिश करें। आप दूसरों की और खुद की जो कंपैरिजन अगर कई चीज़ों में होता है तो वो है आपकी मेहनत, और मेहनत में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यकीनन आपको तरक्की जो है वो मिल सकती है, लेकिन कहीं जाने में, किसी चीज़ को पहनने ओढ़ने में या कुछ भी जो है वो सरीकत एक तरीके से मैं बताऊँ तो आपको आज के दिन करने से बचना चाहिए। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको रात को जौ जो है वो भिगो कर रखना चाहिए और सुबह पक्षियों को देने से आज आपकी हेल्थ जो है वो सही रहेगी। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं आज आप ऊर्जा के लेवल में हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसे आज आधे समय में ही निपटा देंगे। परिवार के कुछ सदस्य आज बीमार हो सकते हैं जिससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खर्चा हो सकता है, इसकी वजह से आप आज चिंता में रह सकते हैं। शाम के लिए कोई खास योजना अगर आप बना रहे हैं तो आज बिल्कुल भी ना बनावें, क्योंकि आज का जो दिन है या जो आपकी शाम है वो सही नहीं है, इसलिए आपको कहीं भी जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। घर के जो भी बड़े सदस्य हैं उनके द्वारा आपको कुछ सामान जो है, कोई तोहफा जो है वो मिल सकता है। अगर कोई कार्य बहुत समय से लटका हुआ पड़ा था तो आपके घर में जो भी वरिष्ठ हैं वो आज आपकी सहायता जो है वो कर सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन जो है वो खूबसूरत रहने वाला है। आज का जो उपाय है वो ये कि आज आपको हरे रंग का रुमाल अपने पॉकेट में रखने से आज आपकी स्थिति जो है वो शुभ रहेगी। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं आज आपको अपने जज्बातों पर काबू जो है वो पाने की ज़रूरत है। डर से अगर आप जीत गए तो आज आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आज आपकी सेहत पर थोड़ा सा असर जो है वो दिखाई देगा और सेहत की वजह से आज आपका जो मन है वो थोड़ा सा खराब रह सकता है। सट्टेबाजी में आज पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी खर्चा ना करें। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा अगर है तो आप वहाँ पर जाइए, पैसे जो है वो कम से कम खर्चा करने की कोशिश आज करें, क्योंकि अगर आप अपने पैसे जो है वो किसी के दिखाने के चक्कर में खर्चा कर देंगे तो आपका आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं बीतेगा। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब धन जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतनी ही ज़रूरत के हिसाब से पूरा करना चाहिए। लोग देखें और लोग आपको बड़ा समझें ये करने की कोशिश जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, दिखावे की ज़िंदगी जो है वो जीते हैं, तो आपको आने वाले भविष्य में पैसों के प्रति जो चिंता है वो देखने को मिल सकती है, या अगर मैं कहूँ तो पैसों के प्रति आपको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आज अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आज आप किसी के दबाव में आकर कोई कार्य बिल्कुल भी ना करें। अपने इच्छा के अनुसार आज आपको कार्य करने चाहिए। किसी के थोपे गए कार्य अगर आज आप करते हैं तो आपका जो मन है वो आपका साथ नहीं देगा। आज का जो उपाय है वो ये है कि हाथी की मूर्ति जो है वो चांदी की बनवाकर आपको अपने कमरे में रखने से आपका जो बिजनेस है और आपकी जो नौकरी है उसमें तरक्की होगी, उन्नति होगी, इसलिए आपको चांदी का हाथी जो है वो बनवाकर अपने घर में अवश्य रूप से रखना चाहिए। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं अपने विचार और ऊर्जा उन कामों में लगाएं जिस सपने को आप हकीकत रूप में लेना चाहते हैं उसमें केवल लगाइए। ख्याली पुलाव पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपके साथ समस्या यह है कि आप कोशिश करने की बजाय केवल इच्छा करते हैं,
कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बस अपना जो मन है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अपने मन में एक तरीके के ख्याली पुलाव जो है वो पकाते रहते हैं। तो इससे आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मन की शांति को भंग कर सकता है। अगर आप अपने साथी के नज़रिए को नज़रअंदाज करते हैं तो आज आप अपना आपा भी खो सकते हैं। दूसरों की दखलअंदाजी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन आप दूसरों के कामों में जो टांग है वो बहुत ज़्यादा अड़ाते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छे मौके का इंतज़ार अगर कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी समय जो है वो आने वाला है। घर में किसी भी करीबी से आज आपका लड़ाई झगड़ा है, कहा सुनी जो है वो हो सकता है, इसकी वजह से आपका जो मूड है वो ख़राब हो सकता है। नकारात्मक तरीके से अपने वैवाहिक जीवन की निजी बातें आज आप उजागर करने से बचें। आपस में प्रेम से रहें, दोनों के झगड़े अगर आज होते हैं, पति पत्नी हैं तो अगर दोनों के झगड़े होते हैं तो कुछ बातें हो सकता है पति के मुँह से या पत्नी के मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएँ कि वो आपको बोलनी ही नहीं चाहिए थी, वो बातें आपके मुख से अगर आज निकलती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि घर में फिर महाभारत होना तय है। ये चीज़ें आपको बहुत ही सोच समझ कर बोलनी चाहिए। आज का जो उपाय है वो ये है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको जो वट है, वट का या पीपल के पेड़ के को दूध से सींचें, साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी का आपको टीका लगाने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत रहेगी। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जो भी जातक हैं, प्रभावशाली लोगों का आज आपको सहयोग मिल सकता है। आपके बीते समय में आपके जो पैसे खर्च हुए थे उनका जो खामियाजा है, एक तरीके से आपने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ आज आपको पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन आज आपको पैसे मिल नहीं पाएंगे। जिनसे आपको आज मदद मिलनी चाहिए वो आज आपको मदद नहीं करेंगे। अपने किसी बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं बताऊं कि आप जो प्रिय हैं उनकी अगर मौजूदगी जो है वो अगर किसी काम में नहीं होती है तो आज अपने आप को आज खाली खाली महसूस कर सकते हैं। आज कुछ लोग आपकी बातें सुनकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, कुछ लोग आज आपको सुनना पसंद करेंगे। आज आपका जीवन साथी जो है वो थोड़ा सा बीमार हो सकता है और उसका जो है वो आपको ख्याल जो है वो रखना चाहिए। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको शराब सिगरेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे अगर आप बंद कर देते हैं तो आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत हो जाता है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं, आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा हो सकता है। आज आप जिंदगी को अपनी तरीके से जी सकते हैं। आज कारोबार जो है वो आपका अच्छा रहेगा। आज आपको आर्थिक धन में लाभ भी हो सकता है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना आज आपका हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्चा करने से बचें, नहीं तो आज आपकी जेब जो है वो खाली हो सकती है। सारी दुनिया की मदोसी उन खुश नसीब लोगों के बीच में सिमट जाएगी जो प्यार में जी रहे हैं, वही आज खुश नसीब हैं। आज आपको हर तरफ से फ़ायदा जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आज आपका खाली समय आपको मिलता है तो अपने जीवन के बारे में आज सोच सकते हैं, अपनों के बारे में सोच सकते हैं, अपने आने वाले जीवन के, आने वाले भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और एक अच्छी फीलिंग, अच्छा अनुभव जो है वो आज आप कर सकते हैं। आज का जो उपाय है वो ये है कि दंपत्य सुख प्राप्ति के लिए केसर जो है वो खाने में प्रयोग करने से आपका दंपत्य सुख जो है वो मजबूत रहेगा। अगली जो राशि है वो धनु राशि। धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, आपको लंबे समय से अगर थकान जो है वो महसूस हो रही थी या तनाव जो है वो महसूस हो रहा था, तो आज आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको जो भी परेशानियाँ आपके जीवन शैली में चल रही थी उनमें बदलाव आज हो सकता है। आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी सी हानिकारक हो सकती है, इसकी वजह से आज का दिन जो है वो थोड़ा सा ख़राब रह सकता है, लेकिन अपने परिवार की भलाई के लिए आपको मेहनत जो है वो करना चाहिए। आज आपको लालच जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आज अपना जो भी आपके अंदर कला है वो दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। आज आप उस कला को बाहर जो है वो दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, इससे आज आपको लाभ जो है वो मिल सकता है। आज आप किसी छोटी मोटी यात्रा को भी कर सकते हैं। आज आप अपने सामान की सुरक्षा, अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो सामान की सुरक्षा जो है वो ज़रूर करें, नहीं तो आज आपके सामान की खोने की आशंका जो है वो दिखाई
दे रही है। आज आपको कोई उपहार मिल सकता है। साथ ही साथ आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति पढ़ने लायक है, एक तरीके से मैं बोलूं कि जो पुरोहित हैं, उनको आपको पुस्तक या पढ़ने की कोई भी सामग्री जो है वो उनको दान देते हैं, तो ये आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको जो फायदा है वो देखने को मिल सकता है। चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। तरक्की आपके लिए सब जगह के दरवाजे खोल रही है, बस आपको उसको दोनों हाथों से समेटना होगा। पैसे की अहमियत आपके समझ में आ रही है, लेकिन आपके जीवन साथी के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि धन है तो सब कुछ है, बिना धन के कुछ नहीं है। परिवार के जो भी सदस्य हैं वो आज आपको कोई छोटी मोटी ज्ञान या छोटी मोटी बातें जो हैं वो आपको बता सकते हैं। आज आपके दोस्त जो हैं वो आपको कहीं घुमाने जो है वो ले जा सकते हैं। आज आपका पर्याप्त समय जो है वो अच्छे कामों में बीत सकता है। अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कामकाज अगर कर रहे हैं तो आज आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है, और अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों को आज आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। आज का जो उपाय है वो ये है कि किसी भी मांगलिक कार्य, विवाह आदि में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप उतना ही बात कीजिए, उतना ही कार्य कीजिए जितना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आज आपका जो शुक्र है वो कमज़ोर है, इसलिए आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी ठीक नहीं है। किसी को ज्ञान देने से बचना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ पर लज्जित हो सकते हैं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, आज आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको चिंता जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी आप काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार है वो कर रहे थे। आज आप कुछ कार्य ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको दूसरों का साथ और दूसरों का प्यार जो है वो मिल सकता है। आज आपका वैवाहिक जीवन जो है वो आज आप खुशी से जिएंगे, उल्लास से जिएंगे, और आज आप कुछ टीम में बन के कार्य जो है वो कर सकते हैं। मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे तो वो आपको छोड़ देना चाहिए। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको चिड़ियों को दाना खिलाने से आज आपका मन और आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सही रहेगी। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, ज़िंदगी के बेहतरीन जो भी कार्य हैं वो आज आप कर सकते हैं। आज आप दिल और दिमाग से काम करें, चिंता आपको छोड़ देनी चाहिए। जो वैवाहिक दंपत्ति जीवन है उसमें आज आप जो संतान है उनको शिक्षा दे सकते हैं। घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा उदास हो सकता है। आज आपने अगर किसी को पैसे दिए थे तो वो आज आपके पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं। आज आपके लिए कहीं घूमना फिरना जो है वो भी हो सकता है। घर में किसी व्यक्ति से आज आपकी कहा सुनी हो सकती है। जीवन साथी के बीच में आप खटपट अगर कुछ दिन पहले हुई थी तो आज आप दोनों वो चीज़ें भुलाकर एक दूसरे को प्रेम जो है वो कर सकते हैं। आज का जो उपाय है वो ये है कि आज आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आज आपका जो दिन है वो शुभ रहेगा, और आज आपके काम में बरकत हो सकती है। तो ये रही राशियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।